डायरेक्ट असेसमेंट फॉर कंडक्ट डिसऑर्डर। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट असेसमेंट की, तो वी हैव द आइडिया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसके हमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्कोर्स मिलता है और उस स्कोर की बेसिस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि आइदर जो स्कोर है वो अबव एवरेज है, कट ऑफ पॉइंट से ऊपर है, या उससे नीचे है। ठीक है, इसी तरह वो जो स्कोर होता है वो हमें परसेंटाइल भी बता सकता है, यानी वो हमें ये भी बता सकता है कि जो बच्चा है उसका स्कोर किस लेवल पे है एज़ कम्पेयर टू हिज और हर ओन एज लेवल। तो ये जो सारे डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स होते हैं वो हमें इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। अब जब हम बात करते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में, तो इसके अंदर डिफरेंट असेसमेंट स्केल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनमें से दो जो हैं, एक है चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट और दूसरा है आईबर्ग चाइल्ड बिहेवियर इन्वेंट्री। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर डिटर्मिनिंग द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। इसमें से जो एक है चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ चेकलिस्ट हैं वो किस किस्म की होती हैं और उसमें हम किस तरह से जो रिज़ल्ट है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट की बात करें तो ये है फॉर एज 6 to 18 ईयर्स। अब इसके अंदर हर जो फॉर्म होता है जब वो डेवलप किया जाता है तो उसके अंदर जो सिंपल बच्चे की डेमोग्राफिक हिस्ट्री होती है वो ली जाती है, जिसमें बच्चे का नेम हो गया, उसका जेंडर हो गया, उसकी एज हो गई, एथनिक ग्रुप हो गया, चाइल्ड की बर्थ डेट हो गई, उस दिन जिस दिन आपने वो टेस्ट किया है वो वाली डेट हो गई, उसका ग्रेड हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम बच्चे की इनिशियल इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद हर फॉर्म के ऊपर डायरेक्शंस जो हैं वो लिखी गई होती हैं, जिनको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, व्हाट दे आर सेइंग टू द पेरेंट्स, के दे नीड टू रिफ्लेक्ट देयर व्यू पॉइंट अबाउट द चाइल्ड। और उसके लिए वो ये भी कह रहे हैं कि इट डज नॉट नेसेसरी कि दूसरे लोग उसे एग्री करें या ना करें, बट यू नीड टू बी राइट योर ओन ओपिनियन, एंड इफ यू वॉन्ट टू बी प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गिव द एडिशनल कमेंट्स। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये या तो आप पेरेंट्स को पढ़ के सुना देते हो या केयर गिवर्स को, या वो खुद पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। देन यहाँ पर अगर आप नंबर वन पे देखो तो वो पूछ रहे हैं कि जो बच्चा है वो क्या चीज़ जो है किस तरह की चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना आप पसंद करता है, मिसाल के तौर पे स्विमिंग में, बाइक में, स्केट में, क्या जो भी चीज़ है उसको उन्होंने यहाँ पर नेम करना है। नेम करने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताना है कि दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में उनको क्या लगता है कि वो कितना टाइम जो है वो उसमें स्पेंड करता है, यानी लेस देन एवरेज टाइम, एवरेज टाइम, मोर देन एवरेज, और क्या उनके पेरेंट्स को उसके बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, वो ये भी पूछना चाह रहे हैं कि वो अपनी उम्र के बच्चों के हिसाब से कितना बेहतर उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, क्या बिलो एवरेज कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, अबव एवरेज कर रहे हैं, या उनके पेरेंट्स को नहीं पता। तो दे नीड टू बी गिव दैट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी तरह वो बच्चे की हॉबीज जो हैं वो पूछ रहे हैं सेकेंड में। फिर थर्ड के अंदर वो ये पूछ रहे हैं कि अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्लब्स या टीम वगैरह का मेम्बर है या वहाँ जाता है, तो वो उसके बारे में उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इसी तरह वो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि हाउ गुड दे आर डूइंग। ठीक है, यहाँ पर वो सिर्फ फर्स्ट चीज़ के ऊपर जो है वो उस उनकी रेटिंग जो है वो ले रहा है कि एज़ कम्पेयर टू अदर चाइल्ड जो उसके उम्र के होते हैं वो उनके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा वो एक्टिविटी कर रहा है या कम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें वो ये कह रहे हैं कि नीचे बहुत सारे आइटम्स हैं। ठीक है, और आपने उसमें ये देखना है कि विद इन पास 6 मंथ जो है वो बच्चे का ये बिहेवियर जो है वो किस तरह का एग्जिबिट हो रहा है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि आपने उसकी रेटिंग करनी है
वन के ऊपर अगर वो जीरो पे अगर वो नॉट ट्रू है, और वन पे अगर सम टाइम और समवट ट्रू है, और टू पे अगर वेरी ट्रू और ऑफन ट्रू है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. और इसमें फर्स्ट आइटम जो है, एक्ट टू यंग फॉर हिज और हर एज, यानी वो अपनी उम्र से जो बहुत छोटे बच्चों की तरह एक्ट करता है. तो अगर उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि समवट और समवट ट्रू, तो दे विल प्लेस द सर्कल ऑन वन. बट अगर वो ये कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं है, तो देन दे विल प्लेस द सर्कल ऑन जीरो. देन द नेक्स्ट आइटम इज अबाउट ड्रिंक्स अल्कोहल विदाउट पेरेंट्स अप्रूवल. तो अगर तो वो कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं मिसाल के तौर पर, यस दे टुक द अप्रूवल फ्रॉम द पेरेंट्स, बट ये बिहेवियर उनके अंदर है. ठीक है, लेकिन अगर विदाउट परमिशन कर रहे हैं तो वो लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल वेरी ट्रू और ऑफ्टन ट्रू, तो आप उसको टू के ऊपर मार्क कर दें. आर्ग्यू अ लॉट, अगर वो बहुत ज़्यादा बहस मुबाइसे में जाता है पेरेंट्स के साथ, पीयर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, टीचर्स के साथ, तो आप उसे टू पे रैंक कर दें, पेरेंट्स टू पे रैंक कर सकते हैं. और अगर वो समझते हैं कि कभी कभी होता है और कभी नहीं होता, तो वो जो है उसे वन के ऊपर रैंक कर सकते हैं. ठीक है, फेल्स टू फिनिश थिंग व्हेन ही और शी स्टार्ट्स, यानी वो कोई भी काम जो है जब वो स्टार्ट करता है तो वो उसको फिनिश नहीं कर सकता. अगर तो ये गलत है तो उसको वो ज़ीरो के ऊपर रेट कर सकते हैं, अगर ये समवट और समटाइम्स ट्रू है तो वन पे कर सकते हैं, और अगर वो वेरी ट्रू है और ऑफन ट्रू है तो उसे टू के ऊपर रेट किया जा सकता है. इसी तरह ये जो सारी आइटम्स हैं इनको वो पढ़ेंगे और इसके ऊपर वो रेट करेंगे. अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये जब हमारे पास आ जाएंगी तो हमारे पास एक टोटल स्कोर आ जाएगा, से 28 जो है वो हमारे पास टोटल स्कोर जो है वो आ गया. अब ये जो 28 का टोटल स्कोर है इसको हम देखेंगे कि क्या ये कट ऑफ से ऊपर लाई करता है या कट ऑफ से नीचे लाई करता है. अगर तो ये कट ऑफ से ऊपर लाई करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर बिहेवियरल डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो मौजूद है. और अगर ये कट ऑफ पॉइंट से नीचे लाई करेगा तो हम ये कह देंगे कि ये जो बच्चा है उसके अंदर कंडक्ट प्रॉब्लम जो है वो मौजूद नहीं है. तो दैट्स ऑल अबाउट द डायरेक्ट असेसमेंट. आपने जो भी टूल जो है बच्चे के ऊपर यूज़ करना है, उसकी असेसमेंट करनी है, यू नीड टू बी नो कि उसका स्कोरिंग प्रोसीजर क्या है और उसका स्कोर जो है वो आपको क्या चीज़ इन्फॉर्म करेगा. डायरेक्ट असेसमेंट में साइकोमेट्रिक असेसमेंट करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो हमें एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर के थ्रू एक मोर ऑथेंटिक फॉर्म जो है वो दे देता है फॉर एक्सप्लेनिंग द चाइल्ड्स बिहेवियर. इसमें एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना है कि जो स्केल आप यूज़ कर रहे हो वो कल्चरली अडाप्टेड हो. अब बेटर है कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में हो. अगर नेटिव लैंग्वेज में नहीं भी है तो एटलीस्ट जो पेरेंट्स हैं आपके पास अगर वो इंग्लिश के अंदर है तो वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करें, और अगर वो इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो बेटर है कि आप उनके ऊपर वो टूल मत लगाएं जो कि वो उनकी लैंग्वेज नहीं है और वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते.